नमस्कार। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि लेंस क्या होता है और लेंस के प्रकार क्या होते हैं, ये मोतियाबिंद में लेंस क्या चीज होती है। तो आज हम जानेंगे मोतियाबिंद के लेंस के प्रकार और आपके लिए कौन सा लेंस जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में आपको तीन नजर की आवश्यकता होती है। पहली वो नजर जिसमें हम नजदीक की चीज देखते हैं, जैसे कि मैं अभी मोबाइल देख रहा हूँ। दूसरी वो दृष्टि होती है जब हम घर में किचन में काम कर रहे होते हैं, या जब हम शॉपिंग मॉल में कोई शेल्फ से सामान उठा के देख रहे होते हैं, सामान निकाला देखा। पहली नजर हो गई नजदीक की और दूसरी जो शेल्फ वाली नजर है वो है इंटरमीडिएट नजर। इसके अलावा एक नजर होती है जिससे हम दूर की चीजें देखते हैं कि सामने से कौन आ रहा है, ट्रैफिक सिग्नल कैसा है, रेलवे स्टेशन पे एयरपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, ये होती है दूर की नजर। तो कायदे से हमें तीन प्रकार के लेंस चाहिए होते हैं। एक वो लेंस जिसमें नजदीक भी दिखाई दे, वो लेंस जिसमें बीच का भी दिखाई दे, और वो लेंस जिसमें दूर का भी दिखाई दे। सो नियर, इंटरमीडिएट एंड डिस्टेंस। जैसे हमारी नेचुरल आंख है, हम अपनी आंख से यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, दूर का भी देख सकते हैं। लेकिन होता यह है कि जो लेंस आमतौर पर मिलते हैं, जो मोतियाबिंद में जो सामान्य तौर पर लेंस डाले जाते हैं, उसमें एक ही नजर साफ हो सकती है, या तो दूर की होगी या बीच की होगी या नजदीक की होगी। इसको कहते हैं मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस में आप कोई एक दृष्टि साफ कर सकते हैं और ज्यादा करके यह लेंस डाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक बहुत ज्यादा संपन्न देश नहीं है, बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से मजबूर हैं और यह लेंस बहुत सस्ता आता है, इसलिए ज्यादातर मात्रा में यह लेंस डाला जाता है। अब आता है कि ऐसा कौन सा लेंस होता है जिसे हमें नजदीक भी दिखाई दे और दूर भी दिखाई दे। उसमें दो प्रकार के लेंसेज आते हैं जिसे हम मल्टीफोकल लेंस या फिर एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस कहते हैं। मल्टीफोकल लेंस में हमें दो दृष्टि साफ हो सकती है, या दूर की और एक बीच की, या तो नजदीक की। तो तीनों दृष्टि साफ नहीं हो सकती। तीनों दृष्टि साफ होने के लिए हमें या तो ट्राइफोकल लेंस चाहिए या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। ये लेंसेज निसंदेह थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन इसमें जो दृष्टि हमें मिलती है वो बाकी लेंसेज की तुलना में फार है, बहुत बहुत उत्कृष्ट होती है। पहला। दूसरा, ये माना जाता है कि 95-99% लोगों को चश्मा नहीं लगाना पड़ता। तो ऐसा हो सकता है, जी हाँ ऐसा संभव है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आपको चश्मा लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े, या चश्मा कहीं ड्रॉज में पड़ा रहेगा और कभी कभार आपको बहुत बारीक चीज देखने के लिए चश्मा लगाना पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए जो चश्मा नहीं लगाना चाहते, इन लेंसेज की आवश्यकता होती है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि ज्यादा करके लोग कई बार आजकल लेजर ऑपरेशन से अपना नंबर हटवा देते हैं, तो उसमें फायदा ये होता है कि चश्मा लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब हम मल्टीफोकल लेंस लगाते हैं या फिर एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस लगाते हैं, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम मोतियाबिंद ऑपरेशन करा रहे हैं। हम वस्तुतः अपने आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन भी करा रहे हैं और साथ ही साथ अपने आंखों का नंबर भी हटवा रहे हैं। तो ये सिर्फ मोतियाबिंद ऑपरेशन ना समझा जाए, बल्कि समझा जाए कि हमें अपने आंखों की कंप्लीट रिफ्रैक्टिव सर्जरी, मतलब चश्मा का नंबर हटाने का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस दृष्टिकोण से सोचेंगे तो यकीन आने की बहुत ही अच्छा विकल्प है।